वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे लोग एक ज़बरदस्त एंड टेस्टी रेसिपी लौकी का भरता। तो आइए देखते हैं। लौकी का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की एक लौकी ली हुई है। तो इस तरह से लौकी पे सबसे पहले हम पूरी लौकी पे ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम फोक से इसे छेद करेंगे ताकि जब हम लौकी को रोस्ट करें तो लौकी अंदर तक पक सके और रोस्ट किया हुआ फ्लेवर भी अंदर तक जा सके। तो इस तरह से पूरी लौकी पे हम इस तरह से फोक से छेद करेंगे। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है वरना लौकी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से पक जाएगी। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से लौकी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम गरम लौकी को हम कवर करके रखेंगे ताकि ऊपर की गर्मी अंदर तक जा सके और लौकी अंदर से पूरी तरह से नरम हो सके। तो इस तरह से लौकी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसे छिलके उतारने के लिए इस पर हम पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से छिलके उतर सके। और इस तरह से हम लौकी के छिलके उतार देंगे। पूरी लौकी के इसी तरह से छिलके निकाल देंगे। अच्छी तरह से छिलके निकालने के बाद इसे हम साफ़ पानी से धो लेंगे। अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेने के बाद हम यहाँ से कट करेंगे और इस तरह से ये पोर्शन फेंक देंगे और बीच में से कट करेंगे। अगर बीज बड़े हो तो उसे निकाल देंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके इसे चॉप करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से चॉप करेंगे। आप इसे चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लौकी को चॉप किया। गैस को हमने ऑन किया हुआ है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के चॉप किए हुए प्याज। अब प्याज को हम नरम होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज इस तरह से फ्राई हो तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों को भी अच्छी तरह से नरम होने तक फ्राई करेंगे। जब टमाटर इस तरह से नरम हो चुके हो तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से ले ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे आधे से 1 मिनट भुनेंगे। अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई लौकी। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हम भरता बना रहे हैं, इसमें पानी नहीं रहता है।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके 5 से 6 मिनट स्लो फ्लेम पे रखेंगे। 5 से 6 मिनट स्लो फ्लेम पे रखने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। लौकी का भरता हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एंड टेस्टी लौकी का भरता हमारा रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।